लहरपुर विधायक सुनील वर्मा के गांव गोरेपारा में उनके आवास पर आयोजित श्री बालाजी महाराज सारा सर के जागरण में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार को देर शाम पहुंचे, जहां पर बालाजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन किया। जागरण में मशहूर गायक लखवीर सिंह लखा ने भजन गाकर भक्तों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ सांसद राजेश वर्मा, जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष नीरज वर्मा, लहरपुर प्रमुख उमा शंकर वर्मा, राजेश शुक्ला, संजय मिश्रा व संचालन अरुण सिंह आचार्य, भाजपा नेत्री हिंदू सिंह चौहान, जया सिंह सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। जागरण में मौजूद हजारों की भीड़ को देख भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुश नजर आए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है, आतंकवाद क्राइम करने से कांपता है। यही है मोदी योगी सरकार और असली राष्ट्रवाद। पहले आपको सुनाते हैं कि विकास दुबे पर स्वतंत्र देव ने क्या कहा। तो अपने परिवार को सरकारी आवास और मित्रों सरकारी गाड़ी में नहीं बैठाता है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री यदि आज 7 वर्षों तक एक दिन बीमार नहीं हुए और 1 मिनट का छुट्टी नहीं लिए हिंदुस्तान के गरीबों का सेवा कर रहे मित्रों, ये सेवा किसी के बदौलत नहीं, सारा सर महाराज जी के आशीर्वाद है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है मित्रों, अभी वो चल रहे। इसी तरह राज्य के अंदर एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला सन्यासी के रूप में यात्रा शुरू किया, आज राज्य का मुख्यमंत्री मित्रों, और दिन में 12 बजे कोई दिन में लड़की बेटियां निकलती थी स्कूटी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ तक मित्रों, गुंडे या तो छेड़ते थे रास्ते में, स्कूटी छोड़ा लेते थे या स्कूल के सामने छेड़ते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि 12 बजे भी लखनऊ और सीतापुर के अंदर वो लड़की रेस्टोरेंट से घर जा सकती है, किसी गुंडे की हैसियत नहीं है, जो छेड़ दे छेड़ेगा तो मरेगा। पहली बार यहाँ के गुंडे जेल में रहते हुए डरते हैं कि कब मेरी ना गाड़ी पलट जाए और मैं निपट जाऊं, ये जेल में भी रहते हुए डरते हैं मित्रों, ये योगी सरकार है। कार्यक्रम में आए मशहूर भजन गायक लखवीर सिंह लखा ने प्रदेश अध्यक्ष को पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर उपस्थित जनता से 5 बातों को याद करने को कहा और बाकी मोदी योगी पर छोड़ने को कहा। सुनिए आप भी क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष। देश का प्रधानमंत्री नहीं मित्रों, पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री धरती पर जन्म लिया है, धरती पर जन्म लिया मित्रों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। पहली बार मित्रों गरीबों को, महिलाओं का सम्मान, सभी का कोई सम्मान किया, शौचालय बनवाकर पक्का मकान बनवा रहे कि महिला मिली, मुझे दलित महिला मिली। मैं कही माँ किसको वोट दोगी, वो कही अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि बेटा क्या करता है, बोला रिक्शा चलाता है। हम कि फिर क्या चुनाव लड़ रहा है क्या, बोली नहीं एक बेटा मेरा चुनाव लड़ रहा है, एक बेटा रिक्शा चलाता है। हम कि क्यों दोगी वोट, बोले नेताजी जिस कप में आप चाय पी रहे हैं एक गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, और जिस छत के नीचे बैठे टपकता था एक पक्का मकान मेरा बेटा दिया है। हम कि बेटा कौन है, बोले मेरा नरेंद्र मोदी बेटा है, उसी को मैं वोट दूंगा। अपने परिवार को सरकारी आवास और मित्रों सरकारी गाड़ी में नहीं बैठाता है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री यदि आज 7 वर्षों तक एक दिन बीमार नहीं हुए और 1 मिनट का छुट्टी नहीं लिए हिंदुस्तान के गरीबों का सेवा कर रहे मित्रों, ये सेवा किसी के बदौलत नहीं, सारा सर महाराज जी के आशीर्वाद है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है मित्रों, अभी वो चल रहे हैं। पहली बार इस राज्य के अंदर कावड़ यात्रा डीजे पर प्रतिबंध लगता था, उन कावड़ यात्रियों पर सरकारी हेलीकॉप्टर योगी सरकार का हेलीकॉप्टर पुष्पों की वर्षा कराने वाली पहली सरकार है मित्रों, यह योगी सरकार। दीप भव्य कुंभ हमने देखा है, दीपोत्सव देखा है, आज राज्य के अंदर 24 घंटा लाइट देख रहे मित्रों। आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ, 3-4 काम आप करो, बाकी काम मोदी योगी पर छोड़ो। लेकिन 3-4 काम आपको क्या करना है,
करोगे? करेंगे। आप उठा के बताओ, करोगे? करेंगे। सब उठाओ हाथ, करोगे? करेंगे। पहला काम है अपने बूढ़े माँ बाप को थोड़ा 5 मिनट मालिश करके घर में सोया करो। बिल्कुल। दूसरा, कभी हमने नन्हे मुन्ने बच्चे से, छोटे छोटे बच्चों से गुटखा बीड़ी मत मंगवा। तीसरा निवेदन, कभी पत्नी और बेटी पर हाथ मत उठाना। क्या बात है। चौथा, शाम को मौसम्बी का जूस या दूध पीकर आना, बाकी कोई जूस मत पीना। क्या बात। जमीन के लिए, एक बिस्वा जमीन के लिए भाई भाई में सर फड़ोवर मत करना।